दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग कश्यप। दोस्तों माशाल्लाह वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि कुछ भाइयों के क्वेश्चंस थे, वो सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं भाई ये दोनों बकरे हमारे पर्सनल कुर्बानी में लिए हुए थे, ठीक है। नाउ मेरे कुछ भाइयों के सवाल आ रहे थे कि रुमान भाई हम लोग है ना बकरेबाजी का शौक़ करना चाहते हैं, कौन सा बकरा लेके पाले, प्लीज़ कुछ एडवाइस करें। और दूसरा एक क्वेश्चन था रुमान भाई हमारे पास जगह है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बकरे पालना चाहते हैं ताकि साल के एंड में कुछ थोड़ा बहुत कमा सके, शौक के साथ कुछ बिजनेस हो जाए। तो सब में पहले मैं इंशाल्लाह उनको जो मैं ऑनेस्टली आंसर देने की कोशिश करूँगा, पहला तो ये कि भाई देखो अगर आप शौक के लिए पाल रहे हो ना कोई सा भी नस्ल लो, आपके शौक में मैं क्या इंटरफेयर करूँ। सेकंड, जो भाई बोल रहे हैं कि रुमान भाई कुछ बिजनेस पर्पज़ के लिए बकरे लेना चाहते हैं, तो उनसे मैं पहले बोलूँगा कि आप अपने लोकल मार्केट में देखिए कि आपकी लोकल मार्केट में कौन सी नस्ल का बकरा ज़्यादा बिक रहा है, वो बकरे लो और बेचो। अगर उसके बाद भी फिर आप मेरे पे छोड़ रहे हो कि हाँ रुमान भाई अब आप एडवाइस करो, तो भाई मैं ना आपको 5 नस्ल एडवाइस करूँगा, ठीक है। उसके रीज़न भी बताऊँगा, पहला सोचत, दूसरा गुजरी, तीसरा अजमेरा, चौथा मेवाती और पांचवा कोटा, ठीक है। ये 5 नस्ल मैंने आपको क्यों एडवाइस की, अब इसमें से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आप कौन से भी आगे पीछे कंसिडर कर लेना, ये 5 नस्ल मैंने इसलिए एडवाइस की दोस्तों, कोई भी नए पालने वाले हैं ना इन बकरों का इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, मतलब इम्यूनिटी इन द सेंस बीमारी से लड़ने की जो ताकत है अल्लाह ताला ने इनको दी है ना वो बहुत अच्छी दी है। बेशक ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन यस अल्लाह ताला ने इनको बीमारी से लड़ने की जो ताकत अच्छी दी है, तो अगर ये बीमार होते हैं आप थोड़ा बहुत मेडिसिन करेंगे तो रिकवरी के चांसेस इनके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नए लोग को इनको आप पालना आसान होता है। सेकेंड, इनका जो रीज़न होता है पालने का मैं बताऊँ, ये 5 जो नस्ल में बताई है इंशाल्लाह आसानी से जो है वो फीडर में भी सेट हो जाते हैं, आप अगर जैसे वो फीडर ट्रे में देते हो उसमें भी आसानी से बकरे सेट हो जाते हैं और ग्रेजिंग में भी ये बकरे सेट हो जाते हैं, तो आप किसी भी तरीके से पालना चाहते हो ये आसानी से पल जाएंगे। उसके बाद बताऊँ दोस्तों एक और एक एडवांटेज कि इनका जो FCR होता है ना, FCR मतलब फीड कन्वर्जन रेशियो, मतलब जो खाना खाते हैं उसके बाद जो इनका मास वैल्यू मतलब इनका बॉडी वेट बनता है ना, वो एज़ कम्पेयर टू अदर नस्ल इन 5 नस्ल का इंडिया में बहुत जल्दी बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है अगर आप ईद में सेलिंग पर्पज़ पाल रहे हो तो वेट इनका बढ़ेगा अच्छा, और जाहिर सी बात है दोस्तों जब वेट बढ़ेगा तो शौक के लिए भी पाल रहे हो तो आपको भी अच्छा लगेगा, और अगर सेलिंग पर्पज़ के लिए भी पाल रहे हो तो आपका अगर इनका वेट अगर कैलकुलेशन में अच्छा आ रहा है, मतलब वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप जब बेचोगे भी तो इंशाल्लाह आपको आपके मेहनत के पैसे रिटर्न आने के चांसेस है। और ये जो 5 ब्रीड मैंने बताया ना ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया इनकी डिमांड है, तो मेरे हिसाब से तो अगर कोई नया स्टार्टअप कर रहा है तो 5 ब्रीड पे फोकस कर सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी अपने हिसाब से चूज़ करना है वो रख सकते हैं। कोई अगर 10 पाल रहा है तो 5 ये 5 वो पाल सकते हैं, मिक्स करके पाल सकते हैं, या कोई 10 सोजा 10 गुजरी ऐसा भी लॉट ले सकता है अपने हिसाब से। देखो मैंने सिर्फ एडवाइस किया है, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊं दोस्तों कि ये सारे जो बकरे ना ये कम खर्चे में आपको इंशाल्लाह इनका वेट ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आजमाई हुई चीज़ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर कोई भी डाउट है तो अगेन आप क्वेश्चन कर सकते हैं।